ओके स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून ऑल। क्लास 7 इंग्लिश में हम लोग क्या पढ़ रहे थे लास्ट टाइम? बताओ कल क्या चल रहा था इंग्लिश में? लेसन, लेसन 12 चल रहा था, बताया एडवर्ब। ठीक है, हाँ हाँ वो एडवर्ब होता है। ठीक है, वो वर्ड ही एडवर्ब है जिसके लास्ट में एडवाइस। हमने कुछ एडवर्ब की बात कर ली थी, एडवर्ब ऑफ प्लेस की बात कर लिया है। हम अगली बात करेंगे वीडियो मिल जाएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ बेटा का टाइम, हम इसकी बात करेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम की। स्टूडेंट हम लोग बात करेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम की। ठीक है, समझ में आ रही बात? एक सेकेंड, एडवर्ब ऑफ टाइम की बात करेंगे इसके लिए। ठीक है, एडवर्ब ऑफ टाइम आ जाएगी। एडवर्ब ऑफ टाइम की बात करूंगा स्टूडेंट, एडवर्ब ऑफ टाइम देखिए, एडवर्ब टेंस अफॉर्म, एडवर्ब कुछ टेंस अफॉर्म टाइम की बात कर रहा हूँ। अगली बात करेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम, अगली बात हमारी होगी वो एडवर्ब ऑफ टाइम के बाद एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। सो एक्शन क्वालिटी, सो इज रिपीटेड एक्शन क्वालिटी। ठीक है, जैसे कहा मेरे साथ नेम ऑल दिस नेवर हो गया था, ऑलवेज हो गया था, ऑफ्टन वंस ट्वाइस एंड इट इज, इसी तरीके से एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है स्टूडेंट। दिस इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, नेवर ऑलवेज ऑफ्टन वंस एंड व्हाटएवर।
ठीक है, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्या मेरी आवाज आ रही है बेटा आपको? स्टूडेंट मेरी आवाज आ रही है आपको? आइए आगे बढ़ जाते हैं। आइए बैठा के बात करेंगे हम लोग। स्टूडेंट एडवर्ब ऑफ डिग्री, अगली बात है एडवर्ब ऑफ डिग्री। स्टूडेंट एडवर्ब ऑफ डिग्री लिखें, एडवर्ब टू इंटेंसिटी ऑफ वर्क। वर्क की इंटेंसिटी की बात करेंगे, कितना तेज है, कितना कम है, कितना ज्यादा है, तो डिग्री ऑफ एडवर्ब होता है। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, आपने वेरी वर्ड देखा है, क्वाइट देखा है, क्यू आई टी, रादर, रादर एक वर्ड आपने देखा होगा, ठीक है, हार्डली, ये सारे जो वर्ड है बेटा वो एडवर्ब ऑफ डिग्री है, एडवर्ब ऑफ डिग्री है। ठीक, इंटेंसिटी ऑफ वर्क, इंटेंसिटी ऑफ वर्क का मतलब होता है कितना ज्यादा कितना कम। इंटेंसिटी कम मतलब काम आसानी से हो रहा है, कम हो रहा है, थोड़ा हो रहा है। अगर इंटेंसिटी ज्यादा है तो मतलब समथिंग हैज बीन डन मोर, राइट, दैट इज एडवर्ब ऑफ डिग्री, दैट इज एडवर्ब ऑफ डिग्री, राइट। एक्सरसाइज फर्स्ट में देखेंगे बेटा, हाँ एक्सरसाइज फर्स्ट भी देख लेते हैं थोड़ा सा क्या है इसमें। इसकी एक्सरसाइज पहले देखें, ग्रामर अंडरलाइन एडवर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड नेम द वर्ब एंड व्हिच इज यूज्ड। वर्ब एडवर्ब को क्या करना है बेटा, अंडरलाइन करना है। पहले वाले में देखेंगे, ही क्रेप्ट क्वाइटली फ्रॉम द रूम एंड क्लोज द डोर नॉइजली। इसमें देखेंगे बेटा पहले ही सेंटेंस में दो एडवर्ब है, कौन है? पहला है आपका क्वाइटली, ये किसके लिए आ रहा है बेटा? क्वाइटली जो आ रहा है वो आ रहा है क्रेप्ट के लिए, सी आर ई पी टी, और एक नॉइजली लिखा हुआ है स्टूडेंट, नॉइजलेसली है बेटा, नॉइज लेसली, ये आ रहा है किसके लिए? ये आ रहा है क्लोज्ड। किस वर्ब के लिए एडवर्ब आ रहे हैं ये बता रहे हैं, पहले में स्टूडेंट नोट कर लीजिए, पहले में दो एडवर्ब है नॉइजलेसली और क्वाइटली, ये क्रेप्ट के लिए आ रहा है, क्लोज के लिए आ रहा है। दूसरा देखेंगे इसे, ही वेंट लेट एंड केम बैक अर्ली। बेटा अर्ली जो आप देख रहे हैं ये एडवर्ब है, केम के लिए आया है, कौन सा वर्ब के लिए आया है? केम के लिए। आइए और देखते हैं, हाँ तीसरा देखेंगे, थर्ड, इन लाइफ ही गोज अप
अप और एल्स गोन गोज डाउन, फॉर देयर इज नो स्टैंडिंग स्टिल, देयर इज नो स्टैंडिंग स्टिल। आप देखेंगे स्टिल क्या है बेटा, स्टिल जो है एडवर्ब ऑफ टाइम, मैंने बताया था आपको एडवर्ब ऑफ टाइम है। और कौन कौन है बेटा, गोज एक है इसके लिए, क्या है गोज एक वर्ब है इसके लिए, अप और डाउन देख रहे हो, अप और डाउन ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ये भी देखेंगे तीसरे में, अप एंड डाउन। और स्टिल जो है एडवर्ब ऑफ टाइम है ना, स्टैंडिंग के लिए आ रहा है, स्टैंडिंग स्टिल किसके लिए आ रहा है, स्टैंडिंग के लिए आ रहा है, तो तीसरे में ये एडवर्ब है और गोज के लिए ये अप एंड डाउन आ रहा है। बाकी का स्टूडेंट आप करेंगे, आई विल सी यू टुमारो, थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर वॉचिंग, थैंक यू।